ये अभी मैं जिन मैट्स के ऊपर बैठा हूँ, दीज आर दी रबर मैट्स। ये सिर्फ 60 रुपीज़ पर के जी आपको कॉस्ट करते हैं। दीज आर वन ऑफ द चीपेस्ट रबर मैट्स यू विल फाइंड ऑन अमेजोन। बट इनका क्वालिटी कैसा है चलो देखते हैं। फिर सबसे पहले इन रबर मैट की थिकनेस की बात करते हैं, तो ये सिर्फ 10 mm थिक है। आई वुड से 10 mm इज द बेयर बोन थिकनेस जो एक रबर मैट को होना चाहिए। और इनके साथ आपको कोई 15 mm 20 mm का ऑप्शन नहीं मिलता। दीज ओनली कम इन 10 mm साइजेस। अब ऑनेस्टली बताओ तो इस प्राइस रेंज में आई वॉजेंट रियली एक्सपेक्टिंग अ थिकर रबर मैट। बट यार यू नो एक ऑप्शन देना चाहिए था, 10 mm 15 mm 20 mm ऐसा कुछ ऑप्शन देना चाहिए था। बट इनके साथ आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, यू ओनली गेट अ 10 mm थिक मैट विच इज ओके फॉर सम फॉर लेट से बम्पर प्लेट्स, बट मेटल या फिर डंबल्स के लिए एकदम भी ठीक नहीं है। चलो दिखाता हूँ क्यों। ओके, तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि 10 mm मैट्स के ऊपर आप डंबल गिरा देंगे, तो गलती से भी डंबल्स को ऐसे 10 mm मैट्स के ऊपर ऐसे गिरा मत देना, बिकॉज जैसे आपने देखा ये पूरा रूम अभी कांप के उठा। ये एक मेटल वेट का जो इम्पैक्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ऐसे 10 mm मैट के साथ आप मैक्सिमम डंबल को ऐसे उठा के ऐसे रख पाएंगे, या फिर अगर इतना सा ड्रॉप करना है इतना सा ड्रॉप कर पाएंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक कंसिडरेबल हाइट से ऐसे डंबल को ड्रॉप कर देंगे, तो आपने जैसे देखा बहुत नॉइज़ होता है और ये एकदम भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर आपके पास ऐसे बम्पर प्लेट्स है देन आई वुड से कि दीज मैट स्टिल डू अ बेटर जॉब, बिकॉज आप बम्पर प्लेट्स को ऐसे रख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा आवाज़ होगा, बट ओवरऑल ये ग्राउंड से बहुत सा आवाज़ दे लेगा, बिकॉज बम्पर प्लेट्स के जो रबर है वो काफ़ी एब्जॉर्ब करते हैं। बट फिर भी इवन विद बम्पर प्लेट्स आप अगर चाहते हैं तो इस लेवल से डायरेक्टली गिरा नहीं सकते, आपको हमेशा ऐसे कंट्रोल करके ही गिराना होगा। इसलिए मैंने बोला था कि अगर इनका एक 15 या फिर 20 mm वर्जन मिलता वो काफ़ी बेटर रहता। 10 mm ज़्यादा एक्सेस के लिए इवन विद बम्पर प्लेट्स ज़्यादा कुछ साउंड एब्जॉर्ब नहीं करता, और आप ड्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तो इन मैट्स की अगर हम हार्डनेस की बात करें तो दीज आर बेटर देन एवाफोम मैट। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर भी यहाँ पे थोड़ा सा दबूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मैं दबा पा रहा हूँ, और यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ देन एज यू कैन सी कि कंसिडरेबली कम दब रहा है। बट ये एक ट्रू रबर मैट जितना भी कम नहीं दब। ये मैट एवाफोम मैट से तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बट ट्रू रबर मैट उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका अगर आपको मैं अभी एक प्रेसिंग टेस्ट करके दिखाऊँ साइड से, ठीक से देखिएगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये, काफ़ी ज़्यादा प्रेस भी होता है। इतना प्रेस एक रबर मैट को नहीं होना चाहिए, यू नो एक अगर ट्रू रबर मैट होता तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल या फिर इतना ज़्यादा प्रेस नहीं होगा। तो रबर तो इसमें यूज़ किया गया है, बट इट्स अ वेरी पुअर क्वालिटी रबर, बहुत ही ज़्यादा ईजिली दब जाता है। बेटर देन एवाफोम बट नॉट एज हार्ड एज अ ट्रू रबर मैट। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ओलंपिक वेट लिफ्टिंग के लिए ये मैट्स आप एकदम भी यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 10 mm ठीक है, आई रियली वुडेंट रिकमेंड इट फॉर ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, जहाँ पे आप वेस्ट लेवल से या फिर शोल्डर लेवल से वेट गिराएंगे, एब्सोल्युटली नॉट। फॉर डेड लिफ्टिंग आई थिंक यू कैन यूज़ दिस। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है कि एक मैट के ऊपर एक मैट स्टैक किया है, और इसका कंबाइन थिकनेस 30 mm कर दिया था। 30 mm के साथ मेटल प्लेट के साथ आई कोड डेड लिफ्ट यानी काफ़ी ज़्यादा साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप इन मैट्स के साथ डेडलिफ्ट करना चाहते हैं, आपको अटलीस्ट 3 mat मतलब कंबाइंड थिकनेस ऑफ अटलीस्ट 30 mm चाहिए प्रॉपरली साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए ड्यूरिंग डेडलिफ्ट। एंड ये कंसिडर करके कि आप डेडलिफ्ट को गिरा नहीं रहे, अगर गिरा रहे हैं नहीं भाई इससे नहीं होगा, डेडलिफ्ट को गिरा रहे, यू हैव टू कंट्रोल द वेट डाउन। ओके, तो अभी इन मैट का एक ग्रिप टेस्ट करते हैं कि ये कैसा आपके ग्रिप करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैर रखे अगर इसका भी पुश करूँ, एज यू कैन सी कि आराम से मूव हो जाता है। इनका ग्रिप एक्चुअली एकदम भी अच्छा नहीं है, एंड ये मेन रीज़न इसीलिए है कि इसके नीचे जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रिपी मटेरियल कुछ भी नहीं है। मैंने इस साइड को भी उलट के देख लिया था, सेम रिजल्ट, इस साइड पे एक पैटर्न है, बट फिर भी ग्रिप ये एकदम भी अच्छा नहीं रहता भाई। अगर आपको इन मैट्स के साथ ग्रिप चाहिए, आपको बेसिकली क्या करना होगा, इस चीज़ को देखो। अगर मैं अभी इस साइड से पुश करूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि मूव नहीं हो रहा, ये मूव नहीं हो रहा बिकॉज उस साइड पे ये वॉल के अगेंस्ट थोड़ा सा स्टैक्ड है, इसीलिए मूव नहीं हो रहा। तो अगर इन मैट्स को आप ऐसे बीच में रख देने वाले हैं, किसी भी वॉल के अगेंस्ट नहीं रखने वाले हैं, देन ये बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करेगा। तो इन मैट्स को खरीद रहे हो तो वॉल के अगेंस्ट लगाना क्या ही सोचो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मूव करने वाले हैं, विल नॉट बी आइडियल। ओ तो मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गया, ये मैट्स 3 feet by 2 feet आते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। तो एक मैट है अराउंड
कितना 6 square feet, और ऐसे चार मैट्स आप करो 1500 रुपये कॉस्ट करते हैं। सो एक 24 square feet स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टेल हियर आपको अराउंड 1500 रुपये कॉस्ट करेगा, मतलब पर स्क्वायर फीट इसका कॉस्ट आता है 62.5 रुपीज़, विच इज़ वेरी वेरी चीप, यू नो, कंपेरेबल टू एवाफोम मैट्स। एवाफोम मैट्स में भी आपको अराउंड 24 square feet अराउंड 1000 रुपये के तो ऊपर ही मिल जाता है, तो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली एज कम्पेयर टू एवाफोम मैट्स, बट एवाफोम के कंपेरिजन में ये काफ़ी बेटर है। गुड से फिनिशिंग ऑन दिस मैट्स अगेन इज़ नॉट गुड, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारी इनकन्सिस्टेंसीज है, ये बीच में ये पूरा ऑकवर्ड तरीके से कटा हुआ है, प्रॉपर एंगल प्रॉपर कुछ भी नहीं कटा हुआ है, ठीक है, ये एकदम प्रॉपर एंगल में नहीं कटा हुआ है, रैंडमली बस है कुछ भी एंगल में कटा हुआ, तो फिनिशिंग एकदम अच्छा नहीं है, बट इस प्राइस में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। अभी तक इन मैट्स का मैंने बहुत ज़्यादा बुराई किया है, बट आई विल हैव टू एडमिट फॉर दी प्राइस ऑफ जस्ट 62 रुपीज़ पर के जी आपको एक समवट रबर मैट मिल रहा है, दैट इज़ अ बिग थिंग, यू नो, बिकॉज इस प्राइस में आपको ज़्यादातर एवाफोम मैट से मिलते हैं, एंड आई वुड से दीज आर मच मच बेटर देन एवाफोम मैट्स। ऑनेस्टली गाइज, अगर आपके पास एक बेटर बजट है स्पेंड करने के लिए इन योर होम जिम, देन यू शुड डेफिनेटली गेट बेटर मैट्स, बट अगर आप यू नो 10-15 हज़ार रुपये के होम जिम बना रहे हैं, अब आप इतने कम में होम जिम बना रहे हैं, तो आप ऑफकोर्स 5-6 हज़ार नहीं खर्चेंगे बिहाइंड योर फ्लोरिंग, सो फॉर दैट पर्सन अगर आप डंबल्स वगैरह खरीद रहे हैं, कुछ बारबल्स खरीद रहे हैं, कम वेट खरीद रहे हैं, देन आई थिंक आपका बजट कम है, 10-15 हज़ार रुपये है, देन 1500 में आई थिंक दीज आर प्रिटी गुड। इसके अलावा आपके पास एक ही और ऑप्शन है, वीच आर बेसिकली एवाफोम मैट्स, एंड दीज आर मच मच बेटर देन एवाफोम मैट्स। एवाफोम मैट्स आर ओनली गुड फॉर वॉकिंग एंड दे आर बेसिकली यूजलेस, गाइस आई हैव फाउंड दैट एवाफोम मैट्स कोई काम का ही नहीं है। दीज मैट्स आर जस्ट गुड इनफ टू प्रोटेक्ट योर फ्लोरिंग बट नॉट टू अब्सॉर्ब इम्पैक्ट, बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर आपको अभी इन मैट्स को खरीदना है, चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इनका नाम शायद बॉडी मैक्स टेक ऐसा ही कुछ होगा, एनीवे जस्ट चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर आपको अभी 15,000-10,000 में एक होम जिम बनाना है, देन चेकआउट दिस वीडियो राइट ओवर हियर। चलो भाई।